नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन वॉइस। मथुरा में कृष्ण जन्म स्थल पर कुछ हिंदूवादी संगठनों ने 6 दिसंबर को जलाभिषेक करने का ऐलान किया है, जिसके बाद पूरे सूबे में इसको लेकर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। कई हिंदू संगठनों के नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। लखनऊ में कृष्ण जन्मभूमि न्यास एवं भारतीय जन जन पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख राजेश मणि त्रिपाठी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद आज लखनऊ में भारतीय जन जन पार्टी के नेता और कार्यकर्ता गिरफ्तारी के विरोध में सड़क पर उतर आए हैं। सरकार व पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। ये कार्यकर्ता परिवर्तन चौक पर इकट्ठा हुए और वहां से विधानसभा की तरफ जाने का प्रयास करने लगे। इस दौरान पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हलवासिया के पास से रोक दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई, जिसके बाद पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने अपने नेता की गिरफ्तारी के विरोध में उनको रिहा किए जाने को लेकर ज्ञापन सौंपा। मैं राष्ट्रीय सह प्रमुख श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास मुक्ति दल का हूँ। सामने देखिए उनसे बात श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के हमारे राष्ट्रीय प्रमुख राजेश मणि जी को 29 तारीख को रात में 2 बजे पारा पुलिस से पुलिस जाती है थाने की घर पर, उनको 2 बजे रात में पकड़ लेती है, उनको लेके चली जाती है। हम लोगों को ही बताया नहीं जाता है किस लिए ले गई है। हम लोग पारा थाने पहुंचते हैं तो वहां से पता चलता है काकोरी थाने शिफ्ट कर दिया गया है। काकोरी पहुंचते हैं तो बताते हैं वहां से हमें पारा शिफ्ट कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से झूठी हिंदूवादी सरकार है, जो कि वो कहती है केशव प्रसाद मौर्य जी कहते हैं कि अभी मथुरा बाकी है, और उसी प्रकार से झूठी हिंदूवादी सरकार होने के नाते कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास दल के राष्ट्रीय प्रमुख को, जिन्होंने संकल्प लिया था कि 6 दिसंबर को मथुरा में हम लोग संकल्प यात्रा निकालेंगे, 29 तारीख को उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। और अभी तक हम लोगों को कुछ नहीं बताया जाता है। 151 का चालान कर दिया है, उनको जेल भेज दिया गया है। क्या यही हिंदूवादी सरकार है जिसमें एक कृष्ण भक्त को जो है ना जेल में भेज दिया जाता है, रात में उसको घर से उठाया जा रहा है जैसे वो अपराधी है। तो क्या क्या धाराएं लगाई गई हैं, किस बात को? 151 का चालान करके उन्हें जेल भेज दिया गया है। तब आज आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोगों ने उनकी रिहाई के लिए हम लोगों ने ये आंदोलन किया है, जिसमें हमारी भारतीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक पंडित मनीष महाजन जी भी हैं, जिला अध्यक्ष के अभिषेक दुबे जी भी हैं, राष्ट्रीय सचिव मोहित मिश्रा जी भी हैं, विनय भाई हैं हमारे, 12 बंकी से कार्यकर्ता आए हुए हैं, जिन्होंने हम लोगों की जो है ना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की रिहाई के लिए हम लोगों ने ये संकल्प मात्रा निकाला है। और जो कि हम लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, मथुरा और काशी में भी प्रभु कृष्ण जी का, हमारे राधे राधे जय श्री राम, हम चाहते हैं कि वहां पर भी जो है मंदिर का निर्माण हो भव्य। यदि नहीं अभी रिहाई होगी तो आगे क्या करेंगे? रिहाई अगर नहीं होगी तो ये आंदोलन हर जिले में होगा और राजेश मणि जी को, प्रशासन को रिहा करना ही पड़ेगा।